नमस्कार, मैं हूँ रेनु भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। घाटमपुर उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 14.27% मतदान हुआ। सुबह की ठंड के बीच धीमी गति से मतदान शुरू हुआ। जैसे कि उम्मीद की जा रही है, दोपहर बाद अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकलेंगे। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे गए कानून व्यवस्था के सवाल के जवाब में DIG डॉक्टर पितिंदर सिंह ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था 4 हमें CATF की कंपनीज मिली है, जो हमने 3 और 3 के ऊपर के जितने बूथ हैं, पोलिंग सेंटर्स हैं, सब पे लगाई गई हैं। और सिविल पुलिस लगभग 4000 प्लस हमारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मैंने 10 पोलिंग सेंटर्स देखे और सभी जगह बड़ा पीसफुली इलेक्शन चल रहा है और वोटिंग चल रही है पीसफुली। अभी क्योंकि शुरुआती टाइम है तो अभी वोटर्स की संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे COVID-19 को देखते हुए क्या आपके प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? इसके अलावा ये इंश्योर कर रहे हैं जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके जो पोलिंग स्टाफ है उनको भी ब्रीफ करके भेजा गया है, और जो हमारा स्टाफ है पुलिस फोर्स उनको सबको मास्क और आवश्यकता पड़ने पर उनको फेस शील्ड सबको उपलब्ध करवाए गए हैं, सैनिटाइजर सबको उपलब्ध करवाए गए हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारी पोलिंग की वो संपन्न हो। बाकी जो पोलिंग स्टाफ है उनको भी ब्रीफ किया गया कैसे जब EVM का बटन एक दबाता है एक वोटर, तो उसके बाद नेक्स्ट को कैसे सैनिटाइज करना और कैसे नेक्स्ट वोटर को इंश्योर करना। कितने संवेदनशील बूथ हैं ये घाटमपुर विधानसभा में? कितने संवेदनशील बूथ हैं? लगभग EVM 15-16 जगह शुरुआती दौर में खराब होने की बात आई थी, वो ऑलमोस्ट सभी ठीक हो गए, लेकिन अभी 1-2 जगह जहाँ पे सूचना बीच बीच में आ रही है। तो CDO और बाकी जो यहाँ के SDM हैं, जो यहाँ के ARO भी हैं, वो लगातार उन अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क में आके जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ EVM चेंज हो रही है, जहाँ आवश्यकता पड़ रही है बैटरी चेंज करने की वहाँ वो बैटरी। कितने संवेदनशील बूथ है भाई? देखिए टोटल यहाँ पे क्रिटिकल 26 पोलिंग सेंटर्स हमारे क्रिटिकल हैं, जिसमें लगभग 84 के आसपास बूथ हैं। वही क्रिटिकल को हम प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं और उसके अलावा कोई और हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव बूथ नहीं है, लेकिन क्रिटिकल को जो क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर बेसिस पे और बाकी समीकरणों के बेसिस पे हमने चिन्हित किए हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि उसके अलावा जो सामान्य पोलिंग सेंटर्स भी हमारे हैं वहाँ भी प्रॉपरली फोर्स रहे। और मोबाइल पार्टीज़ भी हमने 40 क्लस्टर मोबाइल्स यहाँ पे बनाई हैं, सभी थानों को 2-2 अतिरिक्त वाटीज़ हमने दी हैं, और इसके अलावा हमारे 48 सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्र में हैं, और उसके अलावा जोनल और सुपर जोनल ऑफिसर्स हैं हमारे। थैंक यू। CEO ग्रामीणशील हैं इस एरिया में, और उसके अलावा यहाँ के लोकल जो CEO हैं, एडिशनल SP हैं, वो भी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। न्यूज़ अब भारत के संवाददाता द्वारा पूछे गए अगले सवाल पर DIG डॉक्टर पितिंदर सिंह ने बताया कि दूर दराज क्षेत्रों में नजर रखने के लिए 40 मोबाइल पुलिस टीमें किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात हैं। इस बार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनको गुब्बारे और फूलों से सजाया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा की सारी व्यवस्था किया गया है और पूरा शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं। हम अपनी उपलब्धियों का चुनाव लड़ रहे हैं। आज भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो जो वादे किए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आज वो सारे वादे धरातल पर हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, चाहे धारा 370 हो। तो देखिए विकास दुबे नाम मेरा भी है, इसलिए वो लोगों ने मेरी फोटो वायरल कर दी थी, हालांकि मेरे संगठन द्वारा और सब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने उसको और मीडिया के माध्यम से भी उसमें ये खबर चली कि ये फेक है, फोटो वायरल जो कोई ऐसी समस्या नहीं। कानपुर से महेंद्र मिश्रा के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।